गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत दिन बाद फुर्सत मिली है आप लोगों से बात करने की, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं सैटरडे से 3-4 दिन हो गए मैं काफ़ी बिजी रही। इन दिनों दीदी के पास भी होकर आई थी, सैटरडे को चली गई थी, फिर संडे की इवनिंग में हम लोग लौटे थे और बहुत अच्छा टाइम हम लोगों ने साथ में गुजारा, क्योंकि इतने दिन बाद मिला था ये समय और एक दूसरे को मिस कर रहे थे। फ़ोन वगैरह पे तो बात हो जाती थी, लेकिन एक होता है ना, जब किसी से मिलते हो बैठते हो तो और अच्छा लगता है। तो घर की सारी बातें हैं, बहनों वाली बातें हैं। कशिश भी आजकल थोड़ा फ्री चल रही है, तो उसने भी अपने भाइयों के साथ खूब इंजॉय किया। रात भर हम लोगों ने लूडो खेली, एक दूसरे की गोटियाँ काटी, बहुत मज़ा आया। और दीदी की कुकिंग तो आप लोगों ने देख ही ली होगी, दीदी बहुत यम्मी फूड बनाती है और अपना हाथ का खाना खा खा के कौन बोर नहीं हो जाता। मतलब मैं तो डेली किचन में कुक करती हूँ और ये लोगों को इसलिए अच्छा लगता है, सबको, इन दोनों को, क्योंकि जब आपको कोई चीज़ गर्मा गर्म सर्व की जा रही हो और वो भी बिना एफर्ट्स के, तो आपको पसंद आएगी ही ना। तो बस यही बात है, तो मुझे दीदी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत यम्मी लगता है, वो बहुत टेस्टी बनाती है। तो खूब सारी जो डिशेस थी हम लोगों ने इंजॉय करी इन 2 डेज़ में। मतलब लंच करके तो हम लोग निकले थे सैटरडे में, तो फिर हम लोगों ने डिनर किया, फिर संडे का लंच किया। तो ये था पूरा दिन हमारा, लेकिन अच्छा दिन हम लोगों ने बिताया, बहुत अच्छा दिन बिताया था हम लोगों ने। प्रशांत गए नहीं थे सैटरडे में, वो नहीं थे, तो वो संडे में पहुंचे थे। तो मतलब एक दिन तो हम लोगों ने पूरी वो गर्ल्स टॉक करी, ऊपर जाकर छत पे रील्स वगैरह भी बनाई दीदी के साथ। मैंने रील्स जो है वो इंस्टाग्राम पर अपलोड करी हैं, अगर आपने अभी तक चेक नहीं करी है तो आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो, इंडियन मॉम स्टूडियो पर आपको मिल जाएंगी। और उसके अलावा फिर था मंडे, जब मैं संडे को लौट आई थी, फिर अगले दिन था मंडे। मंडे की थी निर्जला एकादशी, तो ये दिन बहुत अच्छा था, शुभ था, पंडित जी से भी पूछ के रखा हुआ था। तो फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना आज ही हम लोग अपनी गाड़ी की डिलीवरी ले लेते हैं। तो हम लोगों ने मंडे को ली थी गाड़ी की डिलीवरी, तो उसमें पूरा दिन निकल गया था, रात हो गई थी, दीदी के घर भी गई थी मैं शाम के वक्त, तो लौटते लौटते हम लोगों को रात ही हो गई थी। तो मैंने पापा और दीदी को बोला था तुम लोगों की पार्टी ड्यू है, अगर लेनी है तो जल्द से जल्द घर पर मिलने आओ, फिर मैं आप सबको पार्टी दूंगी, क्योंकि सब लोग पार्टी मांग रहे थे। तो मैंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल श्योरली मिलेगी सब लोगों को, लेकिन घर आना होगा, तो देखो कब आते हैं वो लोग घर पे। आज लंच में बनी है मसूर की दाल, कैप्सिकम आलू की सब्जी और चपाती। एक कटोरी, दो कटोरी आटा डाला है। दो कटोरी आटा डाला है। मैदा कितनी डाल रही हो? हम मैदा डालेंगे इसमें 2 कटोरी, 2 कटोरी मैदा। आंटी उड़द की दाल की कचौड़ियाँ, मटर की कचौड़ी, आलू की कचौड़ी बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनाती हैं, तो आज आंटी के हाथ की कचौड़ियाँ बनने वाली हैं। तो अभी एक कटोरी आंटी डाल रही हैं इसके अंदर सूजी, सूजी से ना बहुत करारी सी बनेंगी आपकी जो कचौड़ियाँ हैं दाल की। तो ये आंटी के स्टाइल में आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मेरे स्टाइल में तो मैंने दाल की कचौड़ियाँ शेयर करी हुई हैं, लेकिन आंटी जो बनाने वाली हैं वो बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हैं। और जब भी हम लोग हलवाई के हाथ की कचौड़ियाँ खाते हैं शादी या पार्टी में, हमेशा सोचते हैं कि ये कैसे बनाते होंगे। अभी और इसमें मोमन डालती हैं आंटी। हलवाई स्टाइल में बना रही हो ना आप? हाँ हाँ बिल्कुल, हलवाई से बढ़िया। हलवाई से बढ़िया बनाओगी? हलवाई क्या चीज, बहुत अच्छी टेस्टी बनाऊंगी इसमें। अभी मोमन भी डालूंगी थोड़ा सा। अच्छा हाँ, नमक लगाऊंगी इसमें, अजवाइन लगाऊंगी थोड़ा, ऐसे डाल दूंगी मैं अंदाजे से डाल ली आंटी। हाँ, आप हाँ, अपने हिसाब से। हाँ, मेरे ख्याल से आंटी ने डाला है 2-3 टेबल स्पून ओके। इसमें आप देखो नमक लगाएंगे थोड़ा, इससे फ्लेवर आ जाएगा। आंटी भी हमारी इंग्लिश बोल लेती हैं। बोलना पड़ेगा। हाँ, कुछ तो सीखें इस जिंदगी में, कुछ तो करें, अच्छी बात है। और क्या है का नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ, और हमेशा सीखते रहना चाहिए। काम की कोई उम्र नहीं होती। हाँ सही, जिंदगी की उम्र होती है, जिया आदमी उसकी उम्र होती है, कितनी जिंदगी जिया, काम की काम हमारा है, पूरी जिंदगी करते रहो और नया नया सीखते रहो, नया नया सीखते रहो। और आंटी ने दाल जो है ये अभी भिगोई है, बस थोड़ी देर के लिए भिगोएंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। हाँ 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 बिल्कुल, एकदम ऐसी बढ़िया बनाएंगे खस्ता, उसके से बढ़िया बनाएंगे हलवाई बनाने जो। अच्छा हाँ चलो, ये अच्छी बात है।
अब देखो हम दाल पीस लिए, उड़द की दाल है। अब हम नमक लगा रहे हैं इसमें थोड़ा। ये दाल थी आंटी, दाल भी तो है उड़द की दाल, लेकिन कितनी थी है? ये 100 ग्राम, 100 ग्राम दाल थी। 100 ग्राम दाल। लाल मिर्च, हाँ, नमक, गरम मसाला, गरम मसाला, हींग, सौंफ, एक चम्मच, दो चम्मच बल्कि ढाई भी डाल सकते हैं। उसे सौंफ का स्वाद अच्छा लगता है। हाँ इसे ढाई भी डाल सकते हैं और ऐसे इसका, हाँ, आटा उधर लग गया है। इसमें अजवाइन और नमक डाला था आंटी ने, हाँ, और थोड़ा सा मोमन डाला। अब इसमें क्या डालूं? इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल, देसी घी डालना। हाँ, इसमें थोड़ा सा, इतना सा ले गए, थोड़ा सा, बिल्कुल आधी चम्मच। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इसमें इससे अंदर खुशबू बन जाएगी, कचौड़ी के अंदर भरा जाएगा। अच्छा। उससे भी एकदम बढ़िया खुशबू आएगी, खाने में अच्छा लगेगा। भूनोगी नहीं आंटी दाल? नहीं। अच्छा, ये ऐसे ही बनेगी? हाँ, ये ऐसे ही बनेगी। कच्ची तो नहीं लगेगी खाने में? ना, कच्ची नहीं लगेगी, अंदर ना पकेगी, सिकेगी। हाँ, करारी बन जाएगी अंदर की। हलवाइयों की कचौड़ी होती है वो ऐसी बनाते हैं, वो कभी नहीं भूनते दाल को। अच्छा। नहीं, वो दाल भूनोगे तो वो चुपकेगी कैसे, सारे में बिखर जाएगी, तो फिर वो अच्छी भी ना लगेगी, उसमें टेस्ट भी ना आएगा इतना। अच्छा। घर को खाने को बनाते हैं तब वो अपनी मर्जी से कैसी भी बना सकते हैं। हाँ। ये तो ऐसी बनती है, शादी ब्याह पार्टियों की, कोई फंक्शन है कैसा भी, तो वो ऐसी बनती है। अच्छा। हाँ। कच्ची निकाल रही हैं आंटी, और बाद में इसे पकाएंगे। हाँ, डबल सेकेंगे जब तो खस्ता बनाएंगे। अच्छा। हाँ, जब खस्ता बनती है जब डबल सेकते हैं, और टाइम भी कम लगेगा। हाँ, टाइम जलाओ थोड़ी, जला दो। दोबारा से डाल दी, दोबारा डाल देंगे, पहले कच्ची निकाल दी, अब दोबारा डाल देंगे, धीमे धीमे आँच से कम, तेज बना से कम। मैं भी बनाती हूँ नत्ती दाल तो थोड़ी मुझे, मैं तो घर वालों के तरीके से बनाती हूँ। हाँ, वो तो हलवाई इस टाइम में बनेंगे तुम्हारा। हाँ, गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह का टाइम है, और उठते ही सबसे पहले आज हम लोगों को टेस्ट कराने हैं, एंटीबॉडीज टेस्ट, क्योंकि ये पता करना है कि एक्चुअली कितनी एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, तो उस हिसाब से हम लोग अपना जो वैक्सीनेशन है वो प्लान कर लेंगे। तो डॉक्टर से भी हम लोग इसके बाद बात करके देख लेंगे कि मतलब कि ये हमारी रिपोर्ट्स हैं और इसके अकॉर्डिंग हमें कब तक अपने जो वैक्सीनेशन है वो कराने चाहिए। तो इससे क्या है ना, हमें बात क्लियर पता चल जाएगी कि हमारे अंदर अगर बहुत अच्छी एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं तो फिर हम थोड़ा सा लेट भी करा सकते हैं, और अगर ऐसा है तो जैसे भी डॉक्टर बोलेंगे ना उस हिसाब से हम लोग अपना वैक्सीनेशन करा लेंगे। मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, अगर आपके घर में किसी को भी करोना हुआ है या आपको हुआ है खुद को, तो आप लोग भी एंटीबॉडी टेस्ट करा के तब वैक्सीनेशन कराइए, इससे आपको क्लियर बात पता चलेगी, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। तो बस अभी सुबह हुई थी, और अभी बस मॉर्निंग की सबसे पहली वाली चाय बन रही है, उसके बिना कहाँ दिन की शुरुआत होती है, फिर बस दिन स्टार्ट हो जाएगा। एंटीबॉडी टेस्ट करने के लिए ये आ चुके हैं, और
ज़्यादातर आपने देखा ही होगा कि जितना हो सके हॉस्पिटल जाने से या लैब जाने से लोग बचते हैं, तो वही सीन था हमारा भी। हमने सोचा कि ना हम घर पर ही बुलाकर टेस्ट करा लेते हैं, आप चाहो तो लैब में भी जाकर टेस्ट करा सकते हो ये सब, लेकिन घर पर क्या है कि आपको अपना घर का माहौल मिल जाता है और ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं होता। इन्होंने जब ये घर में एंटर किए थे, इनको अच्छे से हम लोगों ने सैनिटाइज वगैरह कर दिया था। अच्छा, ये सबके लिए स्पेशल अलग अलग किट भी लेकर आए हैं और अपने ग्लव्स भी हर बार चेंज कर रहे हैं। हम तीनों के टाइम पर इन्होंने 3 बार ग्लव्स चेंज करें, तो हाइजीन का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं ये। आजकल मैं ना एक फ़ेस पैक लगा रही हूँ और वो जो फ़ेस पैक है वो मैंने ऑलरेडी बनाकर इस तरीके से स्टोर कर लिया है, वरना इतने सारे इंग्रेडिएंट रोज़ रोज़ डालने में तकलीफ होती थी, मतलब आलस आता था। तो यहाँ पर मैं इसे किचन में ले जाती हूँ, ठीक है, फिर दिखाती हूँ आपको। बहुत अच्छा सा फेस पैक है, नेचुरल ग्लो चाहिए आपको चेहरे पर तो लगाइए, बहुत अच्छा ग्लो आएगा आपके चेहरे पर। और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बहुत बेसिक वाले हैं। इसमें मैंने मिलाया हुआ है चावल का आटा, बेसन मिलाया हुआ है, इसमें मैंने फिर मिलाई हुई है ऑर्गेनिक है ये कस्तूरी टर्मरिक यानी कि कस्तूरी हल्दी पाउडर। और ये वाला जो हल्दी पाउडर होता है ये डिफरेंट होता है उस वाले हल्दी पाउडर से, इसका कलर भी चेंज होता है, इसका टेक्सचर भी चेंज होता है। मैं दिखा देती हूँ आपको, अमेज़ॉन पर मिल जाएगा। तो ये जो हल्दी होती है कुछ इस तरीके से होती है, तो ये भी मैंने इसमें मिला रखा है, अभी निकल आई है तो ये भी मिला देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने मिक्सचर तैयार कर रखा है, बस इसमें थोड़ा सा दही डालिए, कभी दही नहीं है तो दूध डाल लीजिए और ये फेस पैक आपका तुरंत के तुरंत तैयार हो जाता है। और कभी कभी आपको लग रहा है अगर टैनिंग हो गई है चेहरे पर तो इसमें टमाटो जूस भी डाल लीजिए, उससे सारी की सारी टैनिंग रिमूव हो जाएगी। और ये फेस पैक आप चेहरे पर ही नहीं बल्कि ऑल ओवर बॉडी पर लगा सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर ना आपको लगता है कि थोड़े से वो डार्क हो रहे हैं, थोड़ी टैनिंग ज़्यादा हो गई है, जैसे कि अंडर आर्म्स हैं, तो ऐसी जगहों पर या नेक का ये वाला एरिया है, जैसे ये कभी कभी मेरा हो जाता है समर में, तो यहाँ पर भी मैं लगा लेती हूँ। ये ना बहुत हद तक आपकी जो टैनिंग है रिमूव करने में हेल्प करता है, लाइटन करता है आपकी स्किन को, जिससे आपके चेहरे पर फ्रेश ग्लो बनता है। अभी आप मेरा चेहरा देख लो कितना उतरा उतरा सा है, और आप देखना इसको लगाने के बाद चेहरे पे चमक आ जाती है। फिलहाल चेहरे पर लगा लिया है मैंने फेस मास्क, और इसको ना ऐसे नहीं उतारना है पानी से, इसको स्क्रब करते हुए उतारना है। और अभी मैं कशिश के लिए बना रही हूँ लस्सी, उसको पीनी है लस्सी ठंडी ठंडी, और जब लस्सी बनेगी तो सभी लोग पियेंगे। दही डाल लिया है, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डालूंगी, थोड़ी पिसी हुई शुगर और दूध, और हमारी लस्सी हो जाएगी तैयार। खूब सारी आइस क्यूब्स। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी जल्दी बना लेते हैं। देख के डालना होता है, ऐसे थोड़ी कुछ भी कर लेते हैं। रूह अफ़ज़ा है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। अमूल जैसी लस्सी है। अस्सी तुस्सी, पी लो तुम लस्सी। कैसी बनी है? शुगर कम है। शुगर कम लग रही है, ठीक है। मैं भी ले लूँ थोड़ा सा। यम्मी ठंडी इतनी गर्मी में।